राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज है। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम, राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबहु मंदिर कॉम्प्लेक्स घंटाघर के पास दमोह। खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। बिजली आपूर्ति न होने से नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग के दफ्तर में तालाबंदी कर दी। मामला दमोह जिले के हटा से सामने आया, जहां बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर दोपहर में अमझेर गांव के लोग धरना दे रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3 महीनों से उनके गाँव में बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिस वजह से किसानों को सिंचाई के लिए परेशान होना पड़ रहा है और फसलें सूख रही हैं। कई बार बिजली विभाग के चक्कर काटने के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी, जिसे लेकर आज ग्रामीण हटा मुख्यालय पहुंचे थे। दोपहर से लगातार ऑफिस के बाहर बैठे लोगों की किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने देर शाम ऑफिस के मेन गेट पर ताला डाल दिया, जिसके बाद विभाग में खलबली मच गई। तालाबंदी की खबर के बाद ग्रामीणों से मिलने पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से बात की। उनके मुताबिक अमझेर गांव में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, जो कि फिलहाल विभाग के पास नहीं है। एक दो दिन में व्यवस्था हो जाने के बाद यहां बिजली आपूर्ति शुरू हो पाएगी। आए हुए हैं, ये करीब 3 महीने से परेशान है। जो कि 63 का ट्रांसफार्मर इनके यहाँ सारे बिजली के बिल चुकता हुए हैं, TC कट चुकी हैं, इसके बाद भी इनके लिए ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं कराया गया। इनकी सारी फसलें सूख चुकी हैं, ये लोग रोज परेशान हैं, यहाँ आके रोज परेशान होते हैं, बैठते हैं, आज सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी यहाँ सुनने नहीं आ रहा है। किस गाँव का मामला? अमझेर पंचायत। कितने महीने से बिजली? 3 महीने से, वो भी पंप वाली लाइन है जो कि खेतों के लिए है। संबंधित अधिकारियों से शिकायत की? संबंधित अधिकारी AC साहब से, DC साहब से, DE साहब से, AE साहब से, क्या बोला? सारे लोगों से बात हुई, उसके बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कब से तालाबंदी करी? अभी सुबह से बैठे हुए हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने लोग हैं लगभग? लगभग कम से कम 30 से 40 लोग हैं। और अधिकारियों का कहना है? अधिकारियों का कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ ना व्यवस्था करवा सकते हैं, ना हम कुछ बोल सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये मांग चाहते हैं कि भाई हमारा ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी रखवाया जाए, नहीं तो प्रोग आंदोलन करेंगे हम लोग। इनकी 63 की DP है, जिसको हमें प्रदान करना है। अभी आज हमको 63 की DP मिली नहीं है, परंतु अभी ये यहाँ पे है, ज्ञापन देने भी आए हैं, यहाँ पे तालाबंदी भी करें, उसके लिए हमने उच्च अधिकारी से चर्चा करी है। वो जो बताएंगे, जो भी आश्वासन देंगे, कल तक हम कर कैसे भी करवाएंगे, उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम ये करवा देंगे। और ये हमें जैसे उनसे बात हुई, अभी उनसे इनकी भी बात करवाएंगे कि साहब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये बहुत समय से भी प्रावधान हमारे इनको पहले चाहिए भी था, बीच में एक लोन पे देके इनको किया भी गया है, पर वो तुरंत फेल हो गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी साहब से वापस चर्चा हो जाए, तो हम कल के कल इनका 63 का BTR। 2.5-3 महीने से ग्रामीण परेशान है, आज की कह रहे हैं आप? एक बार बीच में अपन दे भी चुके हैं, पर वो फिर से फेल हो गया था, फिर अभी 63 का हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि लगातार हटा क्षेत्र से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, विद्युत विभाग से लगातार समस्याएं उपलब्ध हो रही हैं, कि आज का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा ऊपर? वही है कि हमारे पास अभी ट्रांसफार्मर की उपलब्धता नहीं थी, जैसे हमारे पास उपलब्धता हो जाएगी, इनके 63 के लिए भी हो जाएगी, 25 के भी हो जाएगी, तो हम बिल्कुल प्रोवाइड करा देंगे। संबंधित अधिकारी बात भी नहीं करते हैं, यहाँ पर उपलब्ध भी नहीं रहते हैं, कई बार देखा गया है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इनसे, तो अभी मैं बात करवा के कैसे भी करवा के इनके लिए साहब से बात करके, उच्च अधिकारियों से बात करके 63 की और 25 की इनकी एक और रेखा करेगी, वो भी कर। क्या यानी की मांगें जल्द से पूर्ण होंगी? बिल्कुल।
शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।